हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि इस बार आई एम अहमदाबाद कैट कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो आई एम अहमदाबाद से रिलेटेड कई लोगों के मन में काफ़ी डाउट रहते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, इन सब के आज मैं आपको आंसर दूंगा, है ना, और लॉजिकल आंसर दूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, है ना, पूरा एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको कैट, जेट, आईएफटी, सीमेट इन सब के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन रहता है आप कंपेयर करके देख लेना। सबसे इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, इवन टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे इजी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपको हमारे कोई भी कोर्स परचेस करना हो, है ना, कैट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com पे जाके परचेस कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे आगे भी वीडियोस हम लोग और डालते रहेंगे। और हाँ, आप लोग ऐसे ही हमारे को अच्छा फीडबैक, सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे, लाइक शेयर करोगे, तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द पैटर्न। कई लोगों को लगेगा कि पैटर्न क्या होना चाहिए इस बार, वो है ना। अब कई लोगों को लगता है कि अगर आई एम अहमदाबाद कंडक्ट कर रहा है तो डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा। इस पर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छा एनालिसिस दूंगा। ठीक है, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर कैट 2021, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे कैन आई क्रैक कैट, इस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, है ना। चलो शुरू करते हैं। वॉट शुड बी द पैटर्न। देखिए, पैटर्न की जो बात है ना, नॉर्मली आई एम अहमदाबाद जब भी आता है कुछ चेंज करके तो जरूर लाएगा, है ना। लाइक 2013-14 का पैटर्न जो था वो 15 का एकदम डिफरेंट था, तो उम्मीद है कि हो सकता है पैटर्न में कुछ चेंज करें, है ना। अब कोविड के कारण हो सकता है हो भी या ना भी हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि हो सकता है इस बार 3 आर्ट्स का वापस से हो जाए पेपर, है ना। तो पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 सेक्शन भी हो सकते हैं, 2 सेक्शन भी कैट में पहले हो चुके हैं कि 1 सेक्शन में सिर्फ मैथ्स और वो था DI और दूसरे सेक्शन में वर्बल और LR था, वैसा भी पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न के बारे में तो अभी आप एक आध महीना और वेट कर लो, डिटेल में आपको पता चल जाएगा, है ना। जून एंड तक आपको पैटर्न तो पता मेरे ख्याल से चल ही जाएगा कि कितने आर्ट्स का पेपर होने वाला है, कितने सेक्शन होंगे, बस इतना पता चल जाए वही काफ़ी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। If I am Ahmedabad is conducting CAT 2021, so the level of difficulty will be high. ठीक है, अब मैं आपको एक काम की चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैट के पूरा हिस्ट्री कि कौन से ईयर में किस एम ने कंडक्ट कराया, वो कैट का पेपर कैसे था, है ना। ऑल यू नो अबाउट कैट, ऐसा करके एक मेरा वीडियो आप देखना, हो सकता है मिल जाए, मैं भी ढूंढूंगा, लिंक मिल गई तो मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा ज़रूरी कभी नहीं होता है कि ये आई एम बना रहा है तो इजी होगा, वो आई एम बना रहा है तो टफ होगा। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, दोबारा अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि 2013 और 2014 ये दोनों कैट जो थे ये आई एम इंदौर ने बनाए थे, ध्यान से समझना। ठीक है, और अभी 2020 भी इंदौर का था, है ना। ये तीनों आई एम इंदौर ने कंडक्ट किए थे। कैट 2013 जो है वो आज तक के इतिहास का सबसे टफ कैट माना जाता है, है ना, इन्हें वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्जाम। ठीक है, आई थिंक 2006-7-8 के कैट थोड़े अच्छे लेवल के थे, उसका 13 का कैट का क्वांट बहुत टफ था। ठीक है, वहीं 2014 का जो कैट था वो आज तक के कैट का सबसे इजी कैट बोला जाता है। मतलब वो ऐसा कैट था कि किसी बच्चे ने अगर कैट की प्रिपरेशन नहीं भी की है ना, और सिर्फ बैंक और छोटे छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है ना, वैसे बैंक की भी अब जाके अच्छी आने लगी, उस समय इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे आते थे, तो बहुत ही लो लेवल का उसमें एग्जाम हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हम कैट दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो देखो 13 और 14 दोनों आई एम इंदौर ने लिए थे, लेकिन एक बहुत टफ था, एक बहुत इजी था। तो आप कभी भी ये मत सोचना, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये आई एम बना रहा है तो इजी बनाएगा, वो आई एम बना रहा है तो टफ बनाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले से पूरा डिसाइड हो जाता है कि कौन से
सेक्शन का लेवल कैसा रखना है उसके हिसाब से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आई एम अहमदाबाद बना रहा है तो इजी होगा या टफ होगा। हाँ, एक 2015 में आई एम अहमदाबाद ने कैट बनाया था, है ना, उसमें तो एक क्वेश्चन इतना ईजी था, इतना ईजी था, मैं क्या ही बताऊँ कितना ईजी था। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन शायद ये था, 2 to the power p into 3 to the power q, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। अब सोचो, अब आप उम्मीद करोगे कि कैट ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। बेसिक इवन जब मेरे कुछ स्टूडेंट्स से पेपर दे रहे थे तो एक आध मिनट तक तो पेपर ही देख क्वेश्चन देखते रहे कि ये क्या पूछ लिया उन्होंने, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला कैट पूछ लेगा, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो 13 के बाद 14, 15, 16 का कैट जो था वो बहुत ईजी था। 14, 15, 16 यानी ये जो 3 साल के कैट थे, ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कैट अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम ले रहा है। फिर 17 से उन्होंने वापस से लेवल मेंटेन करना चालू किया था, ठीक है। तो अभी पिछले 3-4 सालों से, जैसे 17, 18, 19, 20, इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने लगे हैं वापस से, है ना। लेकिन फिर भी अभी 2013 के लेवल तक का नहीं आ रहा है, या कैट 2006-7-8 में जो पेपर आता था अभी भी उससे लो लेवल ही आ रहा है। तो उम्मीद है कि लेवल जो रहेगा वो मीडियम लेवल ही रहेगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन तो कम से कम नहीं देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, है ना। इसे 3-4 क्वेश्चन 2015 के कैट में, जो आई एम अहमदाबाद ने ही कंडक्ट किया था, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल की वापस से बात करूं, तो मेरा जो पर्सनल है, जो पिछले अभी कुछ सालों का ट्रेंड चल रहा है, चाहे कोई भी आई एम ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, जो ईयर टू ईयर जैसा कैट होता है वो कुछ सालों तक पैटर्न वैसे ही रहता है। अगर कैट मान लो टफ आने लगा तो लगातार कुछ सालों तक टफ आएगा, ईजी आएगा तो लगातार कुछ सालों तक ईजी आएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल बहुत ईजी आ गया, 1 साल बहुत टफ आ गया, ऐसा नहीं। इनके कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं, उसके हिसाब से ये लोग पेपर बनाते हैं, फिर भले ही वो कोई भी आए हो। हाँ, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वो अभी आगे 1-1.5-2 महीने बाद वैसे ही पता चल जाएगा। तो अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके हिसाब से मेरा जो मानना है, देखो पिछले 3-4 सालों से, या कभी भी कैट किसी भी ईयर की ले लो, 3-4 से भी पिछले, यानी हमेशा ये लोग LRDI को थोड़ा सा हाई लेवल पे ही रखते हैं। तो LRDI का लेवल हाई रहेगा, इसमें हमारा वीडियो कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इधर इवन लास्ट ईयर भी कुछ सेट्स हमारे LRDI में जो हमने पढ़ाए सिमिलर उसके आए थे। हमारा LRDI का कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सिर्फ कैट को ध्यान में रख के बहुत अच्छे से उसके कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। क्वांट की बात करते हैं, मैथ्स में अभी आगे एक मैं वीडियो लेके आऊँगा। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि सब्सक्राइबर और बढ़ते जाएँ, तो मैं और अभी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँ। मैं आई एम अहमदाबाद का 2015 के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे, है ना, स्टूडेंट से बात कर करके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस में किस टॉपिक पे कितना वेटेज था, मैं आपको एक आगे के वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स में मेरा मानना है मीडियम लेवल का आएगा, और वर्बल एबिलिटी भी जो मुझे लगता है लास्ट 2 ईयर से RC पे ही अगर ज़्यादा फोकस रहा तो ये भी मीडियम लेवल पे रहेगी, है ना। मीडियम तो आप इसको थोड़ा हाई बोल सकते हो, वर्बल इजी नहीं आएगी ये तो श्योर है। तो टफ रहेगा LRDI का सेक्शन, है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैथ्स ईजी आए चाहे टफ आए, वर्बल ईजी आए या टफ आए, LRDI तो हाई लेवल का आएगा ही, ये श्योर है, है ना, ये तो आना ही आना है, ठीक। क्योंकि अभी तक पिछले कितने भी साल के कैट उठा लो, LRDI का स्टैंडर्ड इनका हमेशा अच्छा रहा है, ठीक है। क्वांट की बात करें, वो इजी तो नहीं आएगी, मीडियम आ सकती, इजी टू मीडियम, बहुत हार्ड नहीं आएगी। 2-3 क्वेश्चन टफ पूछ लिए तो पूछ लिए, लेकिन नॉर्मल बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो इजी टू मीडियम लेवल ही रहेंगे। और अगर आपके पास हमारा मैथ्स वीडियो कोर्स है तो सिमिलर उसी के आता है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले भी कितनी बार बोला है, ब्रांड के पीछे ना जाके हमारा कोर्स लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। प्लस अब वर्बल की बात करें, तो वर्बल में देखो एक ही ट्रिक है, जितनी आपकी रीडिंग की हैबिट अच्छी होगी, रोज़ आप पेपर पढ़ा करो, RC रोज़ 1 से 2 सॉल्व करो, वर्बल की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर इस बार भी इन्होंने RC को उतना ज़्यादा वेटेज दिया जितना पिछले काफ़ी सालों से देते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है। तो वर्बल का लेवल भी मीडियम टू हाई रह सकता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये आई एम कंडक्ट कर रहा है तो लेवल क्या होगा, वो आई एम कर रहा है तो लेवल क्या होगा। इतनी देर के मेरे लेक्चर में इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे
हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर कैट 2021, है ना। देखो पहली चीज, जब भी प्रिपरेशन करने बैठो, ये तो भूल जाओ कि कौन सा एम बनाने वाला। कई लोग यही गणित लगाते रहते हैं, ये एम बना रहे तो ऐसा होगा, वो एम बना रहा हो तो वैसा होगा, है ना। नॉर्मली मेरी जितने भी बच्चों से डिस्कशन होता है इतने सालों में, ऐसे ही कैलकुलेशन वही लोग लगाते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। सिंपल, बुरा हो सकता है आपको मेरी बातों का लगे, लेकिन ये इस टाइप की कैलकुलेशन नॉर्मली वही बच्चे करते हैं। और आज तक मैंने जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका टॉप भी स्कूल्स में होता है, वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, चाहे कोई भी एम बनाए। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करोगे तो फिर चाहे इजी पेपर आए चाहे टफ पेपर आए, आपका निकल के रहेगा, है ना। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करो। मैथ्स में बात करूं, आगे एक वीडियो लाऊंगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन टॉपिक्स आपको सब कवर करने ही ध्यान रखना। हाँ, जो इजी टॉपिक है उनके टफ क्वेश्चन भी लगा लो, और जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं तो उनका कम से कम बेसिक तो कर ही लो। LRDI में एक अच्छे कोर्स की आपको जरूरत है, मैं बता रहा हूँ। LRDI को कभी भी लाइटली मत लेना। जिन लोगों ने LRDI को लाइटली लिया है उनके हमेशा कैट में दिक्कत हुई है। ये बात अगर आपको मेरी आज समझ में आई तो हो सकता है बाद में समझ में आए, तो LRDI को लाइटली मत लेना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। अब आते हैं वर्बल एबिलिटी पे। वर्बल एबिलिटी में मिनिमम आप एक टारगेट बना लो डेली 2 RC का, कम से कम आप इतना तो आज से लेके रोज करो ही करो। तो अगर आपको आज से ही प्रिपरेशन चालू करनी है, अगले शायद अपना वही था, है ना, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे कैन आई क्रैक कैट, तो देखो इसका आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा। आप आराम से कैट निकाल सकते हो, 2 to 3 months मोर देन इनफ है अगर आप दिन रात एक कर दो तो, है ना। तो अगर आप आज से भी प्रिपरेशन चालू करते हो तो मान लो अभी मई एंड हो गया मान के चलते हैं, तो जून जुलाई अगस्त तक आप कोशिश करो कि पूरा क्वांट का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। LRDI की भी अगर आपने रोज 2 sets लगा लिए, है ना, तो 90 days अप्रॉक्स मान लो, 90 2s 180 set मोर देन इनफ है, ठीक है। और रोज़ 2 RC कर लो तो आप जुलाई अगस्त एंड तक भी आप बहुत अच्छे से कोर्स ख़त्म कर सकते हो। फिर आप जितनी भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हैं चाहे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप देते रहोगे सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर भी मान लो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुआ सही टाइम पे भी तो नवंबर एंड में ही होगा, तो मोटे मोटे आपके पास 3 months रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना, उसमें प्रैक्टिस करना, अपनी रैंक देखना, गलतियों से सीखना। उस पर आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टेस्ट के बारे में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीख सीख के आप आखिरी के 3 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस कर करके अपने परसेंटाइल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। बस आपको मेरी प्रोसेस अगर फॉलो करते जाओ तो आप देखना आपके परसेंटाइल इसे कैसे इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।